हो तुम दोस्तों। हे गाइज, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल अगैन। अभी एक्चुअली आप ये सोच रहे होंगे कि मैं अपना ब्लॉग शुरू इतनी तैयार होके और यहाँ मेट्रो स्टेशन में क्यों कर रही हूँ, क्योंकि आपको पता है मुझे पता ही था कि मुझे ब्लॉग शूट करना है और मैं कहीं जा रही हूँ। मुझे अभी ना थोड़ी देर पहले पता चला था, आई थॉट जहाँ पे भी हूँ वहाँ से ब्लॉग शुरू कर दूँ, बिकॉज मुझे फ़ायदा नहीं रहता ना। मुझे पता भी ये भी नहीं पता चल रहा कि मेरी आवाज़ वहाँ तक आ रही है कि नहीं आ रही है, मतलब मैं निडर हो गई हूँ बहुत ज़्यादा। मेरी मेट्रो भी आ गई तो आपसे थोड़ी देर में मिलती हूँ और बताती हूँ कि मैं कहाँ जा रही हूँ। A few moments later. So right now I'm at Lajpat Nagar metro station and कोई म्यूजियम जा रही हूँ मैं, मुझे नाम नहीं पता उसका एग्जैक्टली क्या है। जब मैं पहुँचूंगी तो मैं आपको दिखाऊंगी, वो सिटी में है। अब जिसको पता है उसके लिए बहुत अच्छी बात है, बट ना मेरे को तो ढूंढना पड़ेगा कि है एग्जैक्टली है कहाँ। ठीक है, सो लेट्स वेट फॉर इट। सो वी आर इन कहाँ पे हम लोग, हाँ गया राजीव चौक मेट्रो स्टेशन। आई गेस नहीं सबसे ज़्यादा क्राउडेड मेट्रो स्टेशन है, जैसे कि आप उधर देखाओ कैमरामैन प्लीज। ये बहुत ज़्यादा क्राउडेड स्टेशन है। अब मुझे यहाँ से नहीं जाना है तो आई हैव टू गो आउटसाइड। आउटसाइड किधर से, इधर से एग्जिट। सो आपका एग्जिट करके वहाँ पर डायरेक्ट पहुँच के मिलती हूँ, बाय। हम लोग जा रहे थे म्यूजियम ऑफ इल्यूजन और मैंने जिस अपने फ्रेंड से पता करा था ना, मैंने उससे ये पूछना तो भूल ही गई कि वहाँ की टिकट कितने रुपए की है, और मुझे अभी भी पता लग गया कि वहाँ की टिकट है 600 रुपए की। जो क्वाइट एक्सपेंसिव है मेरे हिसाब से, और जब मेरे पास पैसा आएगा मैं तब जाऊंगी वहाँ पे। अभी मैं बस कहीं और किसी और जगह के बारे में सोचता हूँ, सोचती हूँ किसी और चीज की जगह के बारे में। अगर कुछ और मिलेगा तो मैं जाऊंगी, पहले मैं घर जा रही हूँ सीधा, इसके बाद कुछ और ऑप्शन नहीं है। सो कुछ ना मिलने की वजह से आई एम सो अपसेट। और अभी हम लोग पहुंचे हैं पालिका बाजार और मैं बहुत ज्यादा अपसेट हूँ क्योंकि मैं वहाँ इल्यूजन वाले म्यूजियम में नहीं जा पाई। तो मैं भी डिसाइड करके बता दूँ कि हमें कहाँ जाना है, क्योंकि इल्यूजन तो मैं जा नहीं पाऊंगी। सो सैड। सो गाइस, मैं सोची कि सिटी आ चुकी है तो हमें बंगला सेफ जरूर जाना चाहिए, क्यों क्योंकि अगर पास में ही है तो हम जा ही सकते हैं। ऑब्वियसली बात है, बहुत दिनों दिनों बाद आते हैं हम यहाँ पे, तो मैं जा रही हूँ बंगला सेफ पहले, फिर उसके बाद मैं देखती हूँ कि मैं कहाँ जाऊँगी। पहले मैं जा रही हूँ बंगला सेफ। ठीक है, फाइनली आई रीच दैट बंगला सेफ गुरुद्वारे। अंदर जाकर तो शूट करना अलाउड नहीं, जैसे कि आप सबको पता, तो इसलिए मैं पहले बाहर बता रही हूँ कि मैंने तैयार हूँ मैं। खाना मिल नहीं रहा है, क्या बोलते हैं, स्वीट पोटैटो शक्करकंदी अंकल ने बताया मुझे।
आ चुके हैं और हमें अभी कुछ खाने की जगह नहीं मिल गई है। सीपी में और भी जगह होनी चाहिए थोड़ी लोकल, लेकिन यहाँ पे कोई लोकल जगह नहीं कुछ खाने के लिए। अब हम वहाँ जाएंगे, वहाँ जाके देखते कि क्या है खाने। One eternity later. So guys, हम लोग कुछ खाने के लिए नहीं मिला और हम आए हैं आईने मेट्रो स्टेशन के पास में, आईने मार्केट बार है और अभी हम जस्ट बैठे हैं यहाँ पे आकर, हमने ऑर्डर करा है। क्या है यहाँ पे, मेरा कैमरा में थोड़ा पागल हो गया है। हमने ऑर्डर करा है ये डोसा, ये लेमनी, ये डोसा और ये सैरामिटिंग में शूट हो गया है। अच्छा गाइस, थोड़ा मैं शो ऑफ करने वाली। चलो ठीक है, मैं आपसे खा के मिलती हूँ क्योंकि मुझे फिर से ट्यूशन जाना, मैं लेट हो रही हूँ। बाय। तो गाइस, डोसा खा के हमारा पेट इतना ज़्यादा भरा कि हमें भूख ही नहीं लग रही है। हमने भूख नहीं लग रही है तो हमने ये खाया है। बहुत ड्रामा हो गया ये गाइस। हमें डोसा ना, हेलो गाइस, हमें डोसा ना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, क्योंकि ना वो थोड़ा कुछ ज़्यादा ही साउथ इंडियन था। मतलब मुझे अच्छा लगता है डोसा, बट अच्छा नहीं था वो। हमें को गोविंदपुरी गली नंबर 5 के बाहर वाला डोसा बहुत पसंद है और वो सस्ता भी है, 100 रुपये का था, कुछ भी अच्छा नहीं था। फिर अब उसके बाद हमें कुछ नहीं, हम ये खा रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये है कॉर्न। सो गाइज, मैंने अभी अपनी फर्स्ट ट्यूशन खत्म करी और मैं दूसरी ट्यूशन जा रही हूँ और मैं बहुत लेट हो गया। मैं कितनी थकी थकी लग रही हूँ, मेरी शक्ल देखो। मैं जब लोग दूसरी ट्यूशन जा रही हूँ, फटाफट पढ़ा के ब्रेड घर पे मिलूंगी। मैं और ब्लॉगिंग नहीं कर रही, मैं थक गई हूँ। पहले बार सही से करा था। अभी घर पहुंची थी और मेरे घर पे टीवी पे अभी चल रहा है द कपिल शर्मा शो, जिसको मैंने बस अभी रोका है, बिकॉज आई गेस इसमें भी कॉपीराइट आ जाता है ना कभी कभी। अंकु आता है पापा, हेलो बोल दो। हेलो, अभी रोटी खा रहा हूँ मैं। पापा अभी रोटी खा रहे हैं, फिर हम उनसे थोड़ी देर में वार्तालाप करेंगे। और दादी इधर आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ ना, इधर रोशनी नहीं है। वहाँ थोड़ी कम लाइट है। हाँ इधर आओ ना, बोलो हेलो फ्रेंड्स, हेलो दोस्तों, हेलो दोस्तों। बोलो मिलते हैं नेक्स्ट, बोलो मिलते हैं, बोलो तो सही, बोलो तो सही, बोलो ना, बोलो मिलते हैं। हंसना बंद करो यार, बोलो मिलते हैं। नहीं बना मैं का खा कर बना है रे, बोलो मिलते हैं। का कर ले जा रहा फिल्म में। अरे बोलो तो सही, बोलो मिलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट अगले अगले बोलो अगले व्लॉग व्लॉग में मैं। अब पूरा बोलो एक बार, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, मिलते हैं अगले व्लॉग में, अगले व्लॉग में। अरे दादी ताली मारो। सो गाइज, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट व्लॉग में। इस व्लॉग को मैं अभी एंड करती हूँ क्योंकि मैं घर पहुंच चुकी हूँ और मैं रोटी खाऊंगी, इसके अलावा कुछ नहीं करूंगी। और दादी जैसे इस व्लॉग को खत्म कर चुकी है, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। दादी हंसती रहती हंसती रहती रहती, चुप ही नहीं रहती। पक्के आप उनका कहने का मतलब है, बस कर। हाँ। तो ठीक है गाइस, अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक आप इस व्लॉग को एंजॉय करें। बाय बाय।